ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी मैंने बहुत सारे आपको मोहिनी मंत्र दिए हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग मुझे बताते हैं कि जो जो मोहिनी मंत्र काम करते हैं उनकी एक अलग श्रेणी में बना के रखता हूँ, और आज आपको एक ऐसा मंत्र दिया जाएगा जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मंत्र जो कि स्वयं मोहिनी है। यदि इसे एक बार किसी पर लगा दिया जाए तो सामने वाला टकटकी लगाए बस आपको देखता रहेगा। जन्म जन्मांतर का अगर आपको प्यार चाहिए, किसी को अपने आवेश में लाना हो, किसी को अपने अनुकूल करना हो, तो इस मोहिनी को लगाया जा सकता है। ये इतनी प्रभावी है कि जिस जिस को मैंने ये मोहिनी दी है इसने अपना काम 100% किया है। कभी ना खाली जाने वाली मोहिनी जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर शक्ति के साथ उसके दुष्प्रभाव भी जुड़े होते हैं, तो कभी भी इस मंत्र का दुरुपयोग किसी पर भी ना करें। आवेश में आकर किसी से ईर्ष्या करते हुए या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करें। यदि हृदय में सच्चा प्रेम हो और कहीं पर कुछ अड़चन आ रही हो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल मोहिनी मंत्र जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आज ये मैं पब्लिक करने जा रहा हूँ। तो पब्लिक डोमेन में आज मैं इसको डाल दूंगा और उसके बाद देखता हूँ कि कितनी शीघ्र अतिशीघ्र ये काम करता है। ये लगभग 10 साल पहले मैंने अपने एक मित्र को दिया था और इसके ऐसे चमत्कार उसने मुझे बताए कि उसने मुझे दोबारा कॉल किया कि मुझे अब ये मोहिनी नहीं लगवानी, बहुत तीव्र हो गई है और ये मतलब संभाली नहीं जा रही। उसने इतनी तीव्र कर दिया इसको कि जो सामने वाला बंदा था वो बस उसी के पास बैठा रहता था, ना कहीं जाने देता, ना कुछ काम करने देता, 24 घंटे बस उसी के पास बैठा रहता। तो ये मोहिनी जो है ये इतनी तीव्र भी हो सकती है। तो ऐसा कभी भी ना करें, जैसा बताया जाए बिल्कुल उतना ही करें, उसी संख्या में इसका जाप करें। यदि अधिक कर देते हैं तो ये बहुत तीव्र हो जाती है। जितना अधिक इसका जाप होगा ये उतनी अधिक तीव्र हो जाएगी। और इसको करना जो है वो बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम हैं जो कि आपको पालन करने होंगे। यदि इनमें कहीं पर भी त्रुटि होती है तो आप जो हैं इस मोहिनी को उल्टा भी कर सकते हैं, ये बहुत तीव्र हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे ग्रहण काल हो गया, होली होगी, दिवाली होगी, या पूर्णिमा होगी, अमावस होगी, कोई अच्छी तिथि आ गई, उस समय पर आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए आपको इसकी 21 माला इसकी जाप करनी होगी, और जाप करने से पहले इसको अच्छे से रट लीजिएगा। जब तक कंठस्थ ना हो जाए तब तक इस मंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज़रा सी भी त्रुटि हुई तो ये मंत्र जो है काम नहीं करेगा, विफल हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कि मंत्र की जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं आती लेकिन फिर भी लगे रहते हैं, और ऐसे में जो है ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। सबसे पहले तो आपका जो गुम्फन है वो सही होना चाहिए, यदि वो सही है तभी ये काम करेगा, अन्यथा कभी काम नहीं करेगा। तो मंत्र बहुत बड़ा है, इसको समझना, इसको कंठस्थ करना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सबसे पहला जो नियम है वो है इसको कंठस्थ करना। इसको जान लीजिए, इसको समझ लीजिए और उसके बाद इसका प्रयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसको रट लीजिए, जितना ज़्यादा रटेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब हम इसका जाप करते हैं तो इसको भूल जाते हैं क्योंकि बहुत लंबा है। तो सबसे पहले इसको रट लीजिए और उसके बाद इसका गुम्फन शुरू कीजिए। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आए जैसे कि सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, होली दिवाली हो, उस समय पर इसकी 21 माला जो है आपको जाप कर लेनी है, और जाप करने के बाद इसको 21 बार किसी भी खाने पीने की चीज़ में मिलाकर
किसी को भी देंगे तो प्रबल मोहिनी लग जाती है। और ये जिस किसी को आपने एक बार दे दिया वो जन्म जन्मांतर तक बस आप कहोगे रह जाएगा। मंत्र सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत लंबा है। मंत्र है, ओम नमो आदेश कामाख्या देवी को, जल मोहू थल मोहू, जंगल की हिरणी मोहू, बाट चलत बटोही मोहू, दरबार बैठा राजा मोहू, पलंग बैठी रानी मोहू, मोहिनी मेरा नाम, मोहू जगत संसार, तारा तरीला तोतला, तीनों बसे कपाल, सिर चढ़े मात के दुश्मन करुपमाल। मात मोहिनी देवी की दुहाई, पूरे मंत्र ईश्वर वाचा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मंत्र है ये कामाख्या देवी का है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सटीक लगने वाला मोहिनी मंत्र है। और कामरू जो राज्य है, जो कामरू देश था पहले, वहाँ पर तंत्र मंत्र का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। और जो कामाख्या देवी हैं इनको तंत्र की देवी भी कहा जाता है। यदि इनका नाम लेकर, इनकी दुहाई देकर कोई तंत्र किया जाए तो वो कभी खाली नहीं जाता। मंत्र एक बार फिर से, यदि कहीं पर त्रुटि हो तो मुझे बताइएगा। ओम नमो आदेश कामाख्या देवी को, जल मोहू थल मोहू, जंगल की हिरणी मोहू, बाट चलत बटोही मोहू, दरबार बैठा राजा मोहू, पलंग बैठी रानी मोहू, मोहिनी मेरा नाम, मोहू जगत संसार, तारा तरीला तोतला, तीनों बसे कपाल, सिर चढ़े मात के दुश्मन करूं पमाल। मात मोहिनी देवी की दुहाई, फुरो मंत्र खुदाई। तो इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना है। और इसके बाद आप जो है किसी भी खाने पीने की चीज़, कोई मिठाई लेकर उसको अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। और साध्य व्यक्ति जैसे ही इसको खाएगा आपके वशीभूत हो जाएगा। जब भी इस मंत्र को करें तो बिल्कुल सात्विक होकर करें। किसी भी तरह का मादक पदार्थ आपको प्रयोग में नहीं लाना है। इसकी दिशा रहेगी पूर्व दिशा, पूर्व की तरफ मुख करके बैठें। लाल रंग का आसन रहेगा, तिलक अवश्य लगाएं, एक दिया जलाएं और उस पर अग्नि को प्रज्वलित करके उस पर अपना हाथ रखें और उस शक्ति को महसूस करें और अग्नि को साक्षी मानकर फिर ये प्रयोग शुरू करें। इस मंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। यदि मंत्र में कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, जैसे कि बहुत बड़ा मंत्र है, यदि कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो है मैं इसकी पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे होता है और कैसे नहीं। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखकर मंत्र करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। पहले अपनी क्वेरीज जो हैं वो बताइए कि ये परेशानी है और इस परेशानी का क्या हल होगा, तब मैं उसको देखकर बताऊंगा कि कौन सा मंत्र आपके लिए सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा और उसके बाद एकदम से शुरू कर दिया। पहले गाइडेंस लीजिए और उसके बाद शुरू कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है त्रुटि होना बहुत स्वाभाविक होता है। वीडियो में पूरा ज्ञान नहीं मिल पाएगा आपको। एक बार कंसल्ट कीजिए और उसके बाद जो है आपको सही दिशा दिखाई जाएगी। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया, क्या पता इसमें से कोई वर्ड गलत हो, कुछ उच्चारण में गलती हो, तो वो सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 9992841625 पर, तो आपको इसकी सारी डिटेल बता दी जाएंगी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कहीं से भी कोई भी मंत्र उठा लेते हैं और एक साथ तीन तीन चार चार मंत्र करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कतई मत कीजिएगा। जैसे ही आप कोई भी मंत्र करते हैं और उसके साथ कोई दूसरा मंत्र शुरू कर देते हैं तो ये दोनों क्लैश भी हो सकते हैं। कभी भी जब निशाना साधें तो एक चीज़ का साधें। ये नहीं है कि आप यहाँ पर भी निशाना लगा रहे हो, वहाँ पर भी लगा रहे हो, तो वो आपका जो एम है वो चूकने की बहुत संभावना हो जाती है। तो जब कभी आपको कोई साधना करनी हो तो सिर्फ एक समय पर एक ही साधना करें। यदि एक समय पर आप 10 साधनाएं करेंगे तो उनमें से कोई भी पूरी नहीं होगी। एक सधे सब सज जाए, वरना तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। तो इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिए और फिर देखिएगा किस तरह से चमत्कार होते हैं। ये कुछ ऐसी गिनी चुनी शक्तियों में से आता है जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपका भला कर सकती है।
मैंने काफ़ी ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें कि सफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, लेकिन जब ये मंत्र लगाया गया तो इसने जो है चमत्कार कर दिए। रातों रात ये ऐसे असर दिखा देता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। जो सालों से बात नहीं कर रहे थे वो इस मंत्र के लगने के बाद बात करना शुरू कर देते हैं। जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो फिर से सुलह कर लेते हैं। सोचिए बहुत बड़ी बात होती है ये, लेकिन इसका जो इस मंत्र का जो चमत्कार है, जो शक्तियाँ हैं वो असीमित हैं। जैसी आपकी भावना रहेगी वैसा ही ये मंत्र जो है काम करेगा। तो अपने विचारों पर, अपने हृदय को अपने वश में करके फिर इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा और फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। धन्यवाद।